Hi guys, wish you a very good morning. This is Aisha Joshi and you are watching me on the channel of AchieveIS. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग सेशन में द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं यहाँ पे. एंड टुडे इज़ 21st of April एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज एडिटोरियल. दिस इज़ ट्यूजडे टुडे. दिस मी आयुषी जोशी एंड वी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम टॉपिक्स. ओके, सो वॉट आर दीज टॉपिक्स, लेट्स टेक अ ओवरव्यू टुवर्ड्स इट. तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा आज का वो होगा टेक ऑफ फियर्स, टेक ओवर फियर्स. अदर देन द सेकेंड वन इज मून्स राइजिंग. थर्ड इज ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेंस रोल. एंड फोर्थ वन इज इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट्स. तो इसमें हम कौन कौन से एरियाज कवर करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो UPSC प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये. इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये. अदर देन दिस, जो एरिया इसके अंदर कवर किए जाएंगे वो है FDI, इकोनॉमिक पॉलिसीज, साउथ कोरियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे हम, इनोवेशन और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और वुमेन्स के रोल को पढ़ेंगे. एट प्रेजेंट जो सिनेरियो, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, उसके अंदर वुमेन का जो रोल होता है और उसका इम्पैक्ट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एनालिसिस. तो आज के द हिंदू का पहला एडिटोरियल जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला आर्टिकल जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो है टेक ओवर फियर्स, अ न्यूएंस्ड अप्रोच ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग ऑटोमेटिक रूट मे हैव बीन बेटर. ओके, अब देखिए हुआ क्या है. हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया है. ये डिसीज़न है कि हम FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उन्हें एट प्रेजेंट ऑटोमेटिक रूट से, मतलब जो ऑटोमेटिकली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है अदर डिफरेंट वेज से, उसको हम अभी स्टॉप कर देंगे. किसके साथ में? हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, है ना. तो इस बात से सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. बहुत नेबरिंग कंट्रीज़ को एक काफ़ी हम कह सकते हैं आईब्रो रेजिंग उनके लिए मोमेंट हुआ है. बट गवर्नमेंट का ये डिसीज़न जो है काफ़ी हद तक सही है. इसके बाद क्यों सही है ये डिस्कस करते हैं. देखिए, बेसिकली ये जो मूव हमने लिया है, सरकार ने जो कदम उठाया है, ये चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए उठाया है, है ना. क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो कि डिप्रेस्ड है, बहुत डाउनवर्ड्स जा चुकी है, उसके तहत वो इसका फ़ायदा उठा के और कुछ कंपनियां जो है, सेलेक्टेड कंपनियां, उनको परचेज कर सकते हैं, उन्हें ओवररूल कर सकते हैं या ये सारी चीज़ें ओवरटेक कर सकते हैं, है ना, उन कंपनीज को, और इसके थ्रू हमारे इकोनॉमी को और भी अच्छा. सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि इकोनॉमी बहुत डाउन है, तो वो इन सब चीज़ों को, हमारी कंपनीज और प्रोडक्ट्स को बहुत चीप वैल्यू में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. तो इस चीज़ को, इस जो पर्टिकुलर जो ये एक मोमेंटम है, इसको स्टॉप करने के लिए सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है ना. सो वाणिज्य मंत्रालय जो है, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है हमारी, उन्होंने एक प्रेस नोट जो 3 जारी किया था 2020 सीरीज का, उसके अंदर उन्होंने अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर को जो है, इंडिया इज़ नॉट अलोन इन दिस फेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टेक ओवर, उन्होंने ये बात डिस्क्राइब की है कि इंडिया जो है वो अकेला नहीं है इस टेक ओवर को के डर को जो है फेस करने वाला. इवन इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी ऐसी कंट्रीज़ है जिन्होंने अभी एट प्रेजेंट अपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो क्या कहते हैं बिजनेस है, उनसे, फॉरेन इन्वेस्टर्स से, स्पेशली चाइनीज़ इन्वेस्टर्स से खुद को बचाने के लिए इस तरह के कठोर कदम उठाए हैं, है ना. क्योंकि हम लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अभी COVID-19 के सिनेरियो में, और इस सिनेरियो से, इस कैश फ्लो को बचाने के लिए हमारे ये जो चाइनीज़ इन्वेस्टर द्वारा ये जो फिशिंग करने का एक अच्छा मौका जो मिल गया है उन्हें, उससे फेस आउट करने के लिए, उससे सेव करने के लिए अपनी कंट्री को, इस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं. चाइना के इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया के अंदर हैं, has been on the sharp upcurve in the last 5 years. देखिए, चाइना बहुत हाई लेवल पे जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो बहुत हाई लेवल पे जा चुके, काफ़ी अपकर्व हो चुका है उनका जो कर्व है, वो बहुत अच्छा वाला हो चुका है, ऊपर उठ चुका है पिछले 5 सालों में. मतलब उन्होंने इतना अच्छा बिजनेस हमारे इंडिया से कर लिया है कि खुद को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है इंडिया से बिजनेस के उस एरिया के अंदर.
So, according to the Brookings India study, the total current and planned investment by Chinese entitles is over $26 बिलियन. और अकॉर्डिंग टू, अगर हम ब्रोकिंग्स की बात करें, हम अगर जो डेटा की बात करें, तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर वो करीब $26 बिलियन का है ना. सो चाइनीज़ कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड नॉट जस्ट इन ब्रिक एंड मोर्टार इंडस्ट्री, सिर्फ ब्रिक्स और मोर्टार इंडस्ट्रीज़ में ही इसको नहीं इन्वेस्ट किया गया है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अगर हम बात करें, जैसे अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने हमारी इंडिया की पेटीएम, स्विगी, ओला, जोमेटो, बिग बास्केट, इन सबको ओवररूल किया है, इन सबको होस्ट किया है. ये सारी इंडियन कंपनीज़ है जिसे जिसे भी ओवररूल करने की कोशिश की गई टेक्नोलॉजी के थ्रू चाइना द्वारा, है ना. और उसके लिए उन्होंने अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियों को जरिया बनाया. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जो मूव लिया गया है इंडिया द्वारा, ये अब थोड़े कार्ड्स को देखिए, इंडिया बहुत रेडी था इस तरह के स्टेप्स लेने के लिए. और इस दौरान हमें COVID-19 जैसा एक बहुत अच्छा मौका, या हम कह सकते हैं हमें एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ मिल गया अपने इस बंदूक को चलाने के लिए, ट्रिगर अप करने के लिए. जैसे हम कहते हैं ना, गोली भरी हुई थी और बस उसे ट्रिगर अप करना था, उसी तरीके से ये चीज़ अभी, ये हमें एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम इस फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसे स्टॉप कर सकें. इंडिया वॉज प्लानिंग अ ह्यूज अबाउट इट. ओके, सो देयर हैज़ ऑलवेज बीन अनईज ओवर द फैक्ट दैट देयर इज़ अ थिन लाइन दैट डिवाइड्स द स्टेट सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट एंटरप्राइज इन चाइना. चाइना के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज से स्टेट सेक्टर को जो अलग करता है वो एक बहुत पतली सी रेखा है ना. एंड सेवरल कंपनीज देयर ट्रेस लिंकेज बैक टू द सिक्योरिटी अपार्टस ऑफ दैट कंट्री. सो वाइल द डिसीजन टू इंट्रोड्यूस अ लेयर ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल इज प्रोबेबली वैलिड इन द करंट सर्कमस्टेंसेज. सो हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो करंट सिनेरियो के या करंट सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे गवर्नमेंट द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कदम है और डिसीजन जो लिया गया है वो बहुत वैलिड डिसीजन है ना. लेकिन ऐसा लगता है कि एडिटर्स को कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट को इस क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें अभी चल रहे हमारे जो बिजनेस हैं उनको टेक ओवर करने का कोई खतरा नहीं है, है ना. सो टू द कंट्री दे क्रिएट न्यू कैपेसिटी. इवन जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर एक नई कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हैं, नए बिजनेस को लेकर आ सकते हैं, तो इसलिए उन्हें इस दायरे से बाहर रखना चाहिए. सो अ डिस्टिंक्शन शुड ऑल्सो हैव बीन मेड बेस्ड ऑन द क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स का क्लास है उस बेसिस पर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहिए. वेंचर कैपिटल फंड्स आर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हु मे नॉट नेसेसरीली बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर. देखिए, वेंचर कैपिटल फंड्स जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना. सो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होने के तौर पे वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं बिजनेस को, चलते हुए बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, तो उन्हें इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है ना. सो वाइल द FDI रूट हैज़ बीन प्लग्ड, जैसा कि FDI का जो रूल है उसे हमने अब एक बार प्लग कर दिया गया है या रोक दिया गया है, इट इज़ नॉट क्लियर वॉट हैपन्स टू इन्वेस्टमेंट्स दैट कम थ्रू द मार्केट रूट. अब क्योंकि हमने एक रास्ता डायरेक्ट वे जो है उसे स्टॉप कर दिया, बट वी डोंट नो कि इनडायरेक्टली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या इनडायरेक्टली ये क्या असर करेगा. सो सेबी हैज़ ऑलरेडी सेंट आउट मिसिव्स टू कस्टडियंस आस्किंग फॉर डिटेल ऑफ चाइनीज होल्डिंग इन लिस्टेड एंटिटीज. वैसे सेबी जो है उसने कस्टडियंस को एक डेटा प्रोवाइड करवाने की हिदायत दे दी है, जिसके तहत वो चाइनीज होल्डिंग जितनी भी है हमारी कंट्री के अंदर, उन सब की एक लिस्ट बना के वो उन्हें देगा, जिससे कि सरकार उस पर कार्य कर सके. हाउ विल दिस बी रेगुलेटेड, अब इसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये कैसे वापस FDI ओपन होंगे, कैसे चेंजेस लेकर आएंगे, और जब दैट डू नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया. बट अब ऐसी कई सारी कंट्रीज़ है जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो अभी जो प्रस्ताव निकाला गया है, अभी जो नोटिस जारी किया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा, तो ये सिर्फ लैंड बॉर्डर्स के लिए. कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो लैंड बॉर्डर्स से आउटर एरिया में है, लेकिन उसके बाद भी, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करने के बाद भी, वो
काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो जिनसे हमें खतरा है, तो उसके लिए क्या रोल प्ले कर सकती है हमारी गवर्नमेंट? अदर देन दिस, विच मे ट्रेस देयर बेनिफिशियल ओनरशिप टू चाइना, ओके, एंड नाउ दैट द वॉल हैज़ बीन रेज, और जब दीवार उठ चुकी है, जब एक स्टॉपेज हम लगा चुके हैं, तो देखते हैं कि किस लेवल पे जो इसको लेकर जाता है, और हमारा जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का जो दौर है वो हम उसे चला सकते हैं। अभी जब हम दीवार खड़ी कर चुके हैं चाइना और हमारे बीच में, तो हम एक नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे पैसा भी खर्च होगा अच्छी मात्रा में, लेकिन हमें बहुत सारा इन्वेस्टर जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे सारे जो क्षेत्र हैं, ये एक बहुत अच्छा मार्केट है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब देखते हैं कि इस फियर से जो बाहर आने के लिए हमने जो कदम उठाया है, चाइनीज़ फियर से जो आउट होने के लिए हमने जो कदम उठाया है, ये किस हद तक सरकार का कदम माननीय है, किस हद तक कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, या किस हद तक आपकी अपनी इकोनॉमी को इम्पैक्ट इफेक्ट करता है, या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, ये सारी चीज़ें हैं जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में सामने आएगी, ठीक है। तो आज का हमारा जो सेकंड आर्टिकल है वो है मून राइजिंग, व्हाट इट इज़। अभी रिसेंटली नए इसी लॉकडाउन के दौरान और इतने बड़े एक जंग के दौरान, एक बीच में उसी बीच में साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट द्वारा एक कदम उठाया गया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, हुज़ गवर्नमेंट्स हैंडलिंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक वॉन अक्लेम। जो अभी रिसेंटली पेंडेमिक से रिलेटेड जो भी मैटर है वो हैंडल कर रहे थे, ये इनकी सरकार कर रही थी। इन्होंने इसी बीच में इनके द्वारा जो है चलाए गए इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, और उसी के तहत पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर भी इन्होंने अपनी जीत हासिल की है, और इसी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए, हेल्थ क्राइसिस के चलते हुए भी यहाँ पे जो है ये सब डिसीजंस लिए गए हैं। वाई डी पी, इट मीन्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीट्स जीती है, अब 43 द अपग्रेज यू पी जो है उसने 43 सीट्स जीती है। द प्रोग्रेसिव कोएलिशन इट लीड्स कमांडेड 180 सीट, और अगर इनको प्रोग्रेसिव कोएलिशन हो जाता है तो ये करीब 180 सीट्स तक पहुंच जाता है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल असेंबली को क्रिएट करने के लिए 300 सीट्स की नीड होती है। 300 में से 180 सीट्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशनल असेंबली फॉर्म करने के लिए सफिशिएंट होती है। सो द अपोजिशन यूनाइटेड फ्यूचर कोलिशन गॉट 103 सीट्स। द रिजल्ट्स मार्क्ड अ सब्सटेंशियल टर्न अराउंड इन पब्लिक सेंटिमेंट्स फ्रॉम लास्ट ईयर व्हेन प्रोटेस्ट ब्रोक आउट एमिड अ स्लोइंग इकोनॉमी एंड करप्शन एलिगेशन। देखिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो बहुत करप्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा करप्शन फैलने और बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाने के कारण प्रोटेस्ट हुए थे, और उस प्रोटेस्ट के कारण लोगों में बहुत उत्तेजना थी, और उन्हीं सब बहुत रोष था, आक्रोश भरा हुआ था, उसी सब के चलते अभी जो रिसेंट जो पार्लियामेंट्स हुए हैं उस पे विथ मोर पार्लियामेंट्री सीट्स, और भी कई पार्लियामेंट्री सीट्स के साथ में, द प्रेसिडेंट हु इज़ इनटू द थर्ड ईयर ऑफ हिज 5 ईयर प्रेसिडेंसी। अभी उनका 5 ईयर्स की प्रेसिडेंसी का थर्ड ईयर चल रहा है मून सर का। सो कैन फॉलो हिज रिफॉर्म एजेंडा एंड नॉर्थ कोरियन री अप्रोचमेंट विदाउट लेजिस्लेटिव बॉटल नेक्स, बट टैकलिंग दीज चैलेंजेस आर्ग्यूएबली पोजेज एन इवन ग्रेटर टेस्ट ऑफ हिज लीडरशिप एंड पॉलिटिकल विल दैन हिज गवर्नमेंट्स इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ द डिजीज। अब जो दौर अभी चल रहा है, जो पैंडमिक का दौर चल रहा है, उसके तहत मून द्वारा इस तरह का, अच्छा उनका प्रेसिडेंशियल क्योंकि टाइमिंग का थर्ड ईयर चल रहा है, तो इस दौर में उनका इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, प्रिकॉशंस को चलते हुए न्यू मेजर्स को लेकर आना, क्योंकि लास्ट ईयर जो वहाँ पे आंदोलन हुए, जो वहाँ पे लोगों में आक्रोश देखने को मिला, उसके चलते प्रेसिडेंट का इलेक्शंस करवाना, वो भी पैंडमिक के दौरान, ये एक बहुत बड़ी बात है, और उस दौरान उनके द्वारा इस तरह का कदम उठाना और जो पार्टीज़ को ग्रो अप करवाने की कोशिश करना है, लोगों को ओवरकम करवाने की कोशिश करना, तो ये सारी चीज़ें, ये कदम काफ़ी हद तक लोगों का दिल जीत लेने वाला था।
ठीक है, देखते हैं क्या असर लेकर आता है, क्या जो है एक्टिविटीज़ उनकी है ऐसी जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, इंटरेक्टिव वे में उन पर इफ़ेक्ट करती है। ये सारी चीज़ें तो हमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स आने के बाद, या हम कह सकते हैं रिजल्ट तो आ चुके हैं लेकिन पार्टी रूल आने के बाद में, या इस पेंडेमिक दौर के गुजर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, तो ये जो आज हमने देखा है ये अब आप इसको अगर रीड आउट करेंगे इसको तो बहुत अच्छे से यू कैन गो थ्रू इट, है ना। तो हम देख सकते हैं कि मून ने बहुत अच्छी तरीके से उम्मीदों को देखते हुए एक बहुत बेटर वे में इलेक्शंस करवा के और इसको प्रिकॉशनरी वे में हैंड आउट करने की कोशिश की है। इसको पूरी जो जंग है इस दौरान, पेंडेमिक की जंग के दौरान, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र से बाहर निकलकर और सरकार को और लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की। तो लेट्स सी किस हद तक ये पॉसिबल साबित होता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। वैसे वहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं उनसे और बिल्कुल उन्होंने हार्ड टेकिंग डिसीजंस लिए हैं और बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुवर्ड्स इट। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, दिस इज़ द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट। एक ऐसा क्षेत्र, ये देखिए बिंदु मैम द्वारा, बिंदु नायर मैम द्वारा प्रकाशित किया गया है, पब्लिश किया गया है, और इसके अंदर द इनविजिबल फेस ऑफ द फॉल आउट, देखिए इसके अंदर विमेन को डिस्क्राइब किया गया है कि एक ऐसा फेज़ है अभी पे, क्योंकि पेंडेमिक को हम लोग देख फेस आउट कर रहे हैं और भी बहुत सारे ग्लोबल क्राइसिस आज तक होते चले आए हैं। कोई बहुत बड़ी पहली बार हमने कोई क्राइसिस फेस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे क्राइसिस को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। इसी दौर में एक ऐसा इनविजिबल फेस है जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द विमेन, है ना। तो ये जो हम कहते हैं कि एक ट्रेडिशनल वे है कि विमेन जो है आज तक जितने भी ग्लोबल क्राइसिस आए हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती आई है। ठीक है, तो अब आपत्तिजनक क्षेत्रों में, हम कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि आपत्तिजनक हो जाता है विमेन का इंटरफेयर करना, या लेकिन जब हम यहाँ इस तरह के क्षेत्रों में देखें, इस तरह के फील्ड्स में देखें, तो विमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जैसा कि एक जनरल डेटा मैम द्वारा यहाँ प्रकाशित किया गया है कि करीब वर्ल्ड की ये जो अभी टाइम चल रहा है, तो इंडिया की 70% जो वर्ल्ड हेल्थ वर्कर्स काम कर रही हैं अभी, वर्ल्ड हेल्थ वर्कर्स, ओके, जो अभी WHO के अकॉर्डिंग जो अभी वर्ल्ड हेल्थ वर्कर्स एज ए डॉक्टर नर्सेज वर्कआउट कर रहे हैं उसके अंदर 70% जो है वो वुमेन हैं। अदर देन दिस 79% ऑफ वुमेन जो है नर्सेज हैं उसमें से। तो ये जो हेल्थ वर्कर्स जो काम करते हैं ये सब वुमेन हैं। इसके अलावा जो भी COVID-19 के दौरान जिनकी भी ड्यूटीज़ लग रही है वो सारी भी वुमेन हैं। सोशल हेल्थ वर्कर, आशा के रूप में जो कार्य कर रही है वो भी वुमेन हैं। तो इस तरीके से कई सारे इस दौर में हमें पता चलता है कि वुमेन की क्या वैल्यू है, और इसके लिए हमें विमेन को जेंडर पैरिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो मतलब उनकी क्या वैल्यू है और उनके बिना क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐसे दौर में हमें पता चलती हैं। लेकिन ये अभी भी एक इनविजिबल फेस के रूप में दिखाई दे रहा है और ये कंटिन्यू फॉल आउट होता चला जा रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस जेंडर इक्वालिटी को देखते हुए विमेन को आगे लेकर आएं और उनके इस रोल को, इस एनॉर्मस एग्जाम्पल्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें ऊपर उठने की या उनको, उनकी तरफ नज़र डालने की एक ज़रूरत ज़रूर है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द विमेन। ये एक यहाँ पे डेटा शो रखा है, यहाँ पे एक मैम ने, बिंदु मैम ने बहुत अच्छा यहाँ पे एक पूरा एनालिसिस दिया है कि किस तरीके से विमेन रोल प्ले कर रही है इस ग्लोबल क्राइसिस के दौर में और कैसे उन्हें इफ़ेक्ट कर रहा है, या ग्लोबल क्राइसिस को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है विमेन का प्ले रोल। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हैं, यू शुड गो थ्रू इट, आप इसे पढ़ेंगे तो, क्योंकि एक बेस जो है डिस्कस कर लेने के बाद या बेसिक स्ट्रक्चर देख लेने के बाद में वो आर्टिकल आपके लिए इजी हो जाता है। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज़ द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेंस रोल। ये एक ऐसा ओकेजन है, ये देखिए ये पाराकला प्रभाकर सर का आर्टिकल है। अकॉर्डिंग टू दिस, उनके अकॉर्डिंग, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ इसे, इसके अकॉर्डिंग, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अभी ये जो टाइम चल रहा है ये हमारे लिए, स्टेट्स के लिए, ये इंडियन पॉलिटी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन सोशल लाइफ के लिए
एक बहुत ओकेजन के रूप में सामने आया, क्योंकि कोविड-19 का दौर ऐसा है जब पूरा लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन के दौरान ये हमारी ज़रूरत है कि हम वापस से रिविजिट करें, फिर से हम पूरा सोवरेन के रोल को देखें, हमारी सोवरेनिटी को देखें, हम प्रभु संप्रभुता की पूरी जो कड़ी चल रही है, या हम उसका जो रोल है हमारी सोसाइटी में उसे देखें, हमारी कंट्री के अंदर इंडियन पॉलिटी का क्या रोल है, इकोनॉमिक रोल क्या है, सोशल लाइफ क्या है, इन सब चीज़ों को पुनः अवलोकन करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, एक दौर गुजर जाने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते उस दौर में पुनः जाके, या फिर से एक नॉर्मलसी आने के बाद में वी कांट डू एनीथिंग इन एनी एस्पेक्ट ऑफ आर सोशल इन आर लाइफ, बिकॉज उस समय हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है कि हम लोगों की लाइफ को नहीं छेड़ सकते। लेकिन अभी जिस समय पूरा लॉकडाउन है तब, और हमारे पास वक्त है, तो हम इंडियन पॉलिटिकल क्षेत्र ले लो, चाहे इकोनॉमिक ले लो या सोशल लाइफ ले लो, इसमें हम लोग जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और बहुत स्टेट्स का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन सारी क्षेत्रों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वी नीड टू वर्क ऑन इट। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट ओकेजन, हमने इसे एक ओकेजन बताया है, या प्रभाकर सर ने इस पेंडेमिक के दौर को एक ओकेजन के रूप में बताया, और ये कहा है कि हमें ज़रूरत है कि हम अभी इस टाइम पे अपने सोवरेन के रोल को रिविजिट करें, ठीक है, सोवरेनिटी को रिविजिट करें, सोवरेन के जो रोल है हमारे उसे रिविजिट करें, ठीक है। तो इस टफ सिचुएशंस में, इस डिफ़िकल्ट मोमेंट में, इस डिफाइनिंग मोमेंट्स में क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या डिफाइन करते हैं ये मोमेंट, और क्या री एग्जामिनेशंस की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई है। सो यू शुड गो थ्रू इट, इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी, यू कैन गो थ्रू इट एंड आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इवन प्रभाकर सर ने इतना तक बताने की कोशिश की है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी हमारे पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, या हमें वक्त नहीं मिला, उसके बाद भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वक्त नहीं लगा उन सब चीज़ों को ओवरकम करने में। तो ये उसके बाद भी जो चीज़ें हमने नहीं फेस की, वो चीज़ें हम इसके बाद फेस कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हम इसके बाद फेस कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको रिविजिट करें और काफ़ी सारी चीज़ों के सुधारात्मक कार्यों को प्रगतिशील करें, ठीक है। तो आज हमने चार आर्टिकल देखे, टेक ओवर फियर, मून्स राइजेस, द ओकेजन टू रिविजिट द सोवरेंस रोल, एंड अदर देन दिस दिस इज़ द इनविजिबल फेस ऑफ फॉल आउट। तो ये चार आर्टिकल आज हमने देखे हैं, आप इनको रिविजिट कीजिए, आप इनको पढ़िए, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, इनको एक बार रिविजिट करने पे आपका सारा डाउट, सारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। और क्योंकि हमने बहुत इन शॉर्ट कुछ आर्टिकल्स, मैंने आपसे इन शॉर्ट काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो आपको इजीली अब रिविजिट करने पे क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। सो इट वाज मी आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करते हैं, मैं फिर से कल आपके साथ में एक नया एनालिसिस लेकर आऊँगी, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एडिटर्स जो है वो क्या ब्रीफिंग करते हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं, क्योंकि इस दौर में ये हमारे लिए भी रिविजिट करने का वक्त है, ये हमारे लिए भी जस्ट इज़ जस्ट लाइक एन ओकेजन कि हम इन सारी चीज़ों से, सोशल इश्यूज़ को देखते हुए भी रिविजिट करें कि हम क्या कर सकते हैं, या पब्लिक क्या कर सकती है, या स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वो क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है इन सारी चीज़ों को, इन सारे आस्पेक्ट को, इन सारे जो थॉट प्रोसेस है, इन्हें समझने का और इन्हें इम्प्लीमेंट करने का। So it was me, Aishi Joshi. Thanks for being with me. Have a nice day. Have a great day. And we will meet tomorrow again at this time. Bye-bye. Take care. Have a great day.